नमस्कार, नेशन वन के खास कार्यक्रम में मैं लिली आप सभी का स्वागत करती हूँ। मौसम है त्योहारों का, सब तरफ फिजा में बस एक सकारात्मक सी ऊर्जा का अनुभव आप सभी महसूस तो कर ही रहे होंगे। धनतेरस से भाई दूज तक एक श्रृंखला में त्योहारों की धूम मची है। हो भी क्यों ना, आज नरक चतुर्दशी यानी कि छोटे दीपावली का उत्सव जो है, सब तरफ बाजारों में खरीदारी करते लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जानते हैं क्या है नरक चतुर्दशी। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवताओं में त्राही त्राही मची है, कृपा कर आप हमें बचाइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से पहले मुर दैत्य और उसके 6 पुत्रों का संहार किया। मुर दैत्य के वध की खबर सुनकर भौमासुर अपने दैत्यों की सेना को साथ में लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने माया रची और अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से उसका वध कर डाला। इस तरह से भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया और भौमासुर ने जिन 16,100 कन्याओं का हरण कर उन्हें बंदी बनाया था, श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त करा दिया। भागवत पुराण में ये बताया भी गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने के बावजूद भौमासुर क्रूर निकला। उसकी करतूतों की वजह से उसे नरकासुर कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी इसीलिए मनाई जाती है। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन सभी शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान का अत्यधिक महत्व है। आमतौर पर लोग इस पर्व को छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन यमराज की पूजा करने और व्रत रखने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सूरज उगने से पहले तिल का तेल लगाकर अपामार्ग, जो कि एक पौधा होता है, जीरे की पत्तियां जल में डालकर स्नान करता है, उसे यमराज की विशेष कृपा मिलती है। नरक जाने से उसे मुक्ति मिल जाती है और सारे पापों का नष्ट हो जाता है। स्नान के बाद सुबह सवेरे राधा और कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करने से पापों का भी नाश होता है और रूप सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। नरक चौदस पर जरूर करें ये उपाय। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहते हैं समृद्धि उसी घर में होती है जहां के लोगों को मन, तन और घर की सफाई पसंद होती है। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन यमराज को भी प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। यह पूजा और उपाय करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है। शास्त्रों की माने तो लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए लोग घरों की सफाई करते हैं। नरक का अर्थ होता है गंदगी, जिसका अंत करना बेहद जरूरी है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार हिरण्यगर्भ नाम के एक राजा ने राजपाट छोड़कर तप करना शुरू कर दिया और उसमें विलीन रहने का फैसला किया। कई वर्षों तक तपस्या करने की वजह से उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। दुखी हिरण्यगर्भ ने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन, यानी कि आज के दिन, शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा करनी होगी। ऐसा करने से फिर से उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होगी। राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। राजा फिर से रूपवान हो गया और तभी से इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी को
छोटी दीपावली भी कहा जाता है। दरअसल यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन भी घर में दीपक जलाने का विधान है। और क्या है आज की पूजा का विधान, आइए जानते हैं। शुभ मुहूर्त 6 नवंबर 2018 मंगलवार, अभ्यंग स्नान समय सुबह 4:59 से 6:36 तक, समय की अवधि है 1 घंटा 37 मिनट। नरक चतुर्दशी पूजन विधि, इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और संभव हो तो तिल का तेल लगाने के बाद ही स्नान करें। इस दिन शरीर पर चंदन का लेप लगाकर नहाने और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने का भी विधान है। शाम के समय घर की दहलीज पर दीप जलाएं और यम देव की पूजा करें। यम दीप दान के लिए 4 बत्ती वाला मिट्टी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। नरक चौदस के दिन भगवान हनुमान की पूजा भी की जाती है। नरक चौदस पर जिस तरह से कृष्ण जी ने दैत्य नरकासुर का वध किया, उसी तरह से हम सभी को अपने भीतर के नरकासुर रूपी बुराइयों का अंत करना होगा, तभी इस पर्व की सार्थकता मानी जाएगी। तो खुशियों के दीप जलाएं, अपने जीवन के अंधकार को मिटाएं। आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।